सेकंड मैम सेंटर यहाँ पे आई थिंक फिजी की बात अगर मैं करूँ जेन्यूनली जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि द फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर आई फेल्ट लाइक आई वाज गोइंग होम यू नो आई जेन्यूनली फेल्ट सो हैप्पी गोइंग देयर एंड आई फील कि जब उन्होंने बात की मेरे से इंट्रोड्यू प्रमोशनल कैंपेन विद टूरिज्म आई वाज लाइक डेफिनेटली इट्स लाइक अ ड्रीम जॉब इन अ वे यू नो सो आई डेफिनेटली लव द प्लेस अभी आई होप यू लाइक द वीडियो आई थिंक इट्स रियली ब्यूटिफुल एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेस यू नो और ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे एंड आई डोंट थिंक पीपल नो ऑल्सो कि इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे सो आई थिंक इन अ वे इट रियली इज़ लाक अ सेकेंड होम यू नो होम अवे फ्रॉम होम बहुत सारी मेमरीज है ऑनेस्टली मैं एक मेमरी यू नो चुन नहीं सकती हूँ क्योंकि इतनी सारी मेमरीज इट्स लाइक Yeah, it's hard to pick, you know. I mean, जैसे कि गार्डन की बात करूँ तो it was really lovely with those little kids. You know, they're really nice and really sweet. And on the beach, you know, doing surfing and subwaying and sea scooter. इतने सारे activities हैं which I've never even heard of before. So I love that I got to try out so many things and I became a little bit of an adventure junkie. जी हाँ, तो बुला की जैसे कि हम यू नो नमस्ते बोलते हैं एंड लाइक यू नो हेलो सो इट्स प्रीटी मच लाइक दैट तो फिजी में आप बुला बोलते हैं या बुला और क्या क्या सीखा वहाँ से लैंग्वेज में लैंग्वेज की बात अगर मैं करूँ तो थैंक यू इज़ विनाका विनाका और दूसरा क्या है सोतो ताले इज़ सी यू लेटर या
कि मैं डेफिनेटली वापस जाने वाली हूँ. जी बिल्कुल, हम आई होप कि हम आपको सपोर्ट. यस आई होप आप चले हमारे साथ. बहुत ही पसंद है. आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रैवलिंग की लंबी लंबी फ्लाइट में आप अपना फ़ोन ऑफ कर सकते हो. ईमेल्स नहीं है, मैसेजेस नहीं है, फ़ोन कॉल्स नहीं है. दैट्स द बेस्ट थिंग. जो आपका गेटअप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. थैंक यू. अटायर, गेटअप सब बहुत. थैंक यू. आप कुछ बताइए इसके बारे में, अगर आप थोड़ा सा बता सकते. क्या बताऊँ, आई हैव अ ग्रेट स्टाइलिस्ट, ग्रेट मेकअप एंड हेयर टीम विद मी. And you know, genuinely, मैं जिस स्पेस में हूँ, personally, professionally, बहुत खुश हूँ. And I love that I'm doing work that I love. So yeah, I'm very happy. वहाँ की है नहीं मतलब शायद ऐसे ही समझ लो, वेकेशन हेयर स्टाइल शायद. मैंने एक्चुअली, थैंक यू. अभी फ़िलहाल मैंने साउथ में एक फिल्म साइन किया है एंड इट्स बिन 6 साल के बाद आई एम डूइंग अ फिल्म देयर. सो इट्स वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड आई थिंक वो शायद सितंबर एंड या अक्टूबर के बिगिनिंग में रिलीज़ होने वाली है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, वेरी एक्साइटेड. टैगलाइन भी है वेयर हैप्पीनेस फाइंड्स यू. जो लोग बहुत ही अपसेट रहते हैं उनको कुछ बताइए कि आप यहाँ जाइए और हैप्पीनेस आपको मिले. आई डेफिनेटली थिंक सो, बिकॉज यू नो वहाँ के जो लोकल लोग इतने खुश रहते हैं, इतना मतलब देखभाल करते हैं आपके. यू नो दे टेक केयर ऑफ यू, इफ यू आर सिक दे विल रियली कम एंड बी केयरफुल, यू नो, गिव यू सूप. इट्स लाइक जब मैंने पहली बार गई थी वहाँ पे, आई हैड अ मामा, लाइक आई सेड, लाइक मेरी ऐसी फिजियन मम्मी थी एंड शी रियली टुक केयर ऑफ मी, यू नो. सो आई थिंक honestly wahan ke jo log hai, there's a lovely Fijian lady here also, you can see how happy they are, and because they love what they do, they're always singing and dancing and whatever they're doing, jo bhi kaam karte rehte hain, even hotel ke jo staff rehte hain, they're always happy. So I think if you are going through a really bad phase, I think Fiji is the place for you. Or even if you're not going through a bad phase, Fiji is the place for you. Wish ki hum jaldi jayenge. Bilkul jayenge. Okay, great, thank you so much. बोला.